आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि पीयूष जोशी चैनल पर 1 मिलियन जो है वो डोज लग चुकी है। रुको जरा, सबर करो। और जैसे कि आपको पता है कि कल इंटरनेट पर एक वायरस आया था, जैसे हमारी लाइफ में एक वायरस आया था, कोरोना वायरस। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वैसे ही कल यूट्यूब पर इंटरनेट पर एक वायरस आया था जिसका नाम था पीयूष वायरस। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और शायद उसको बचाने के लिए कल डोज लग रही थी और 24 घंटे में वो 1 मिलियन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी काम कंटिन्यू जारी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी कंटिन्यू डोज लग रही है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? लग रही है। आगे देखते हैं कितना ज्यादा वायरस कहां तक जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब पर आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और उन लोगों के लिए नहीं है जो वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। कंट्रोल यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं यार, मुझे काफी अच्छा लगता है और जो मैच करता है पूरा पीयूष जोशी के चैनल के लिए। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि बच्चे को लाएंगे यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, कि हम तो बच्चों को लाएंगे यूट्यूब से पैसा कमाएंगे। तभी कहता हूं बच्चा घुसाओ पैसे कमाओ। आपने कभी गौर किया होगा दोस्तों, सौरभ जोशी चैनल जिस पर पीयूष जोशी है वो एक बच्चा है और सिर्फ उसी की वजह से जितने में नई जनरेशन है वो उनको सपोर्ट कर रही है और ढेर सारा पैसा यूट्यूब से कमा रहा है। इसी को फॉलो किया है मनोज दे ने, आप जानते होंगे उन्होंने भी एक अपने चैनल पर वीडियो बनाया था बच्चा घुसाओ पैसा कमाओ। तो ये है YouTube का टैलेंट दोस्तों और ये है YouTube प्रेजेंट टाइम में आखिर क्या चल रहा है। आपको पता नहीं कि YouTube पर सिर्फ नई जनरेशन जो है जो 18 साल से नीचे है वो YouTube के अंदर आ चुके हैं इस लॉकडाउन के बाद। नहीं तो अब आपको किस वे में काम करना है अगर आप एक यूट्यूबर है ना दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीका आपको अपनाना है अपने यूट्यूब चैनल पर पैसे कमाने का, ग्रो करने का, कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं और कैसे यूट्यूब से पैसे छाप सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी बच्चे हैं, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है यार, अब मैं कहां से लाऊं, शादी करना पड़ेगा, बच्चे तो है ही नहीं मेरे पास, शादी नहीं हो तो बच्चे कहां से आएंगे। अब कोशिश कर रहा हूं घर वाले शादी करा दे तो शायद प्लान करना पड़ेगा, बच्चे आ जाएंगे तो मोहल्ले से अगल बगल से मांग नहीं सकता हूं, कोई भी अपना बच्चा ऐसे नहीं देता यार, तो प्लान करना पड़ेगा। लेकिन आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपके घर पे बच्चे हैं या फिर आसपास बच्चे हैं तो आप भी यूट्यूब पर बच्चों को लाइए और यूट्यूब से पैसा कमाइए। जब बड़े यूट्यूबर कर सकते हैं तो आखिर आप क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों ये सिर्फ आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जितने भी मेरे नए यूट्यूबर्स हैं मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर काम कर रहे हैं आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं सिर्फ 24 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर या फिर 1 मिलियन की डोज लग चुकी है पीयूष जोशी के चैनल पर। अब आगे जो इस वायरस को खत्म करने के लिए डोज लगाई जा रही और लोग उस पर लगाए जा रहे हैं, लगवा रहे हैं डोज, ठीक है। तो अगर आपने लगवा लिया है तो अच्छी बात, अगर नहीं लगवाया है तो लगवाना भी नहीं, वो डोज शायद बहुत नुकसानदायक हो सकती है आप सभी नए यूट्यूबर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने चैनल पर काम कर रहे हो, अगर व्यूज नहीं आ रहे, काफी दिनों से काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा नया स्मार्ट तरीका अपनाइए और आप YouTube पर नया चैनल क्रिएट करिए जिस पर आप थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं और अच्छा खासा ऑडियंस अपने तक ला सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो मैं आपको बताना चाहता था कि बच्चा घुसाओ पैसा कमाओ, जैसे और बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं शायद, तो आप भी कर सकते हो, आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर नहीं है तो आस पास जरूर होंगे, तो उनको आप अपने वीडियो में लाइए और यूट्यूब से पैसा कमाइए अच्छे खासे टैलेंट। मैं भी ट्राई करूंगा और अपने ब्लॉगिंग चैनल पे मैं ट्राई करूंगा, मेरी भांजी है मैं उसको भी लाऊंगा अपने, लेकिन कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, शायद वो चीजें सक्सेस काम आ जाए, तो मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन बता रहा हूं आपको कि आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो फाइनली इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट था और अपने जितने भी नए छोटे यूट्यूबर्स हैं या फिर जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं उनको मोटिवेट करना था दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं एक और कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।